अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ओ वाओ सर, ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल, इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर। अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई, जबरदस्ती नहीं करते आप। अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ, फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है, और उनके नॉमिनी सर मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को, मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज। वाओ दीपिका, दैट्स वन वेडिंग केक एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ। केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, कीप लविंग मी। हाँ भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है, और आपने बा कमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर, व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके ओके सॉरी सर। आप लग रहे हो सेक्सी सर। Hello Karan sir, hi Kapil. Hi. You're the funniest man in the country. Thank you very much. Kapil. You man, bro. Keep jealous. Keep jealous. Keep jealous. Moving on. Karan sir, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, दो मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत, आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को, मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है, तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी मर्दानगी का क्या, मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी, देखना। अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो, नहीं नहीं हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है? हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया, टर्न मत कीजिए। Don't look back ever in life par till you are told. Thoda now sa turn. Ek ne do ne teen ke beech mein atak gaye. Hum to yaar beech bichale latak gaye. Kya keh rahe the aap? Haan ji. मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह सर, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये वो कमाल है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं लड़कियां छाई हुई हैं, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग, मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ, आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है, आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या? क्या है सर, मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले जाएंगे तो डराएंगे आप लोग? चार लड़कियां इकट्ठी होके आ गई हैं, डरा रही हैं। कपिल देखो, राइट तो देखो, तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। कांग्रेचुलेशंस, मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके, मैं हूं साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, ये तो बच्ची क्या है, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा, पर सीरियसली हम सल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, यू मे नाउ लीव। लेडीज एंड सर, आपको कच्छे का नाड़ा बांधना आता है? व्हाट्स अ कच्छा? कच्छा इज लाइक अ, कच्छा इज लाइक अ सपोर्टिंग एक्टर, वो सपोर्ट योर ट्राउजर, यू नो, whenever you feel kacha you feel comfortable, if you are not wearing kacha
You're already wearing trouser, but you feel like you're wearing nothing. Halaki, there is something. But kachha is a very achha, sir. I don't wear this kachha. Aap kachha bhi nahi pehante? Okay, one second. Isse pehle ki Kapil suit se kachhe pe aa jaye, let's start with the awards, shall we? Playback singer, female. Sir, aap pehle females ko dekhte ho. Aapko pata hai, isi wajah se male jo hai piche reh rahe hain. Oh, aisa nahi hai Kapil. Main to male milap mein yakin rakhta hoon. Lekin ye to courtesy hai na, ladies first. Zor se man kar raha hai. जोर से मन कर रहा है यार मेरा बड़ी जोर से नेक्स्ट स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है स्टोरी सुनाने अरे यार इतने सारे लोग बैठे हैं सबको कला का तो पता चलना चाहिए ना थोड़ा मेरी भी यार नहीं वरुण हम यहाँ पे स्टोरी नहीं सुना दो मिनट लगेंगे हुमा दो मिनट अच्छा सुनाओ एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी हमारा अगला अवार्ड खूबसूरत अवार्ड नाइट के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आज यहाँ अवार्ड मिले उन सबको ढेर सारी बधाइयां आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें और हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन फिल्में दें और बॉलीवुड का नाम पूरे विश्व में रोशन करें दिल से मुबारकबाद गुड नाइट शुभ रात्रि शब्बा खैर अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए ओ वाओ सर ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई जबरदस्ती नहीं करते आप अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर तो इसलिए मेरे को लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है और उनके नॉमिनी सर मिल रहा हूँ मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कांग्रेचुलेशंस दीपू आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज Wow, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया Congratulations, दीपू आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कीप लविंग मी भाई ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है और आपने बाकमाल काम किया मैम क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर व्हाट डिड यू से सॉरी सेंसिटिव मुद्दे को सर ओके सॉरी सर आप लग रहे हो सेक्सी सर हेलो करण सर हाय कपिल यू आर द फनीएस्ट मैन इन द कंट्री थैंक यू वेरी मच कपिल यू मैन ब्रो कीप जेलस कीप जेलस Moving on. करण सर आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है हाँ. अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो हाँ. दो मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा कपिल तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है हाँ. आपको क्या लगता है सर लड़कियां मुझे मारेंगी इतनी हिम्मत आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ फिर बुलाइए लड़कियों को मैं नहीं डरता हूँ सर अभी देखना क्या होता है तुम ये सब कह रहे हो काफी मर्द बन रहे हो देखना तुम्हारी मर्दानगी का क्या मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी देखना अरे नहीं सर कुछ नहीं होता आप देखो नहीं नहीं हो क्या रहा है सर सरप्राइज है हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया टर्न मत कीजिए डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं टिल यू आर टोल्ड थोड़ा सा आइडिया हाँ जी मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ लड़कियों का राज हर जगह सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ नहीं नहीं बाबा मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं राइट ये वो कमाल है मुझसे क्या पूछ रहे हो नहीं लड़कियां छाई हुई हैं प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें एक सेकंड आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप भी लग रही हैं आप भी दे दीजिए आप भी मतलब अरे जस्ट किडिंग मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ आई डोंट लाइक दिस ब्रूम सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या क्या है सर मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है झाड़ू लगाएंगे तो डराएंगे आप लोग
चार लड़कियां इकट्ठी होके आ गई हैं, डरा रही हैं। कपिल, देखो राइट तो देखो, तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे है और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। कांग्रेचुलेशंस। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके, मैं हूं साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, तो बच्ची क्या है, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, यू मे नाउ लीव। लेडीज एंड सर, आपको कच्छे का नाड़ा बांधना आता है? व्हाट्स अ कच्छा? कच्छा इज लाइक अ, कच्छा इज लाइक अ सपोर्टिंग एक्टर, वो सपोर्ट योर ट्राउजर, यू नो। Whenever you feel kacha, you feel comfortable. If you are not wearing kacha, you're already wearing trouser, but you feel like you're wearing nothing. Halaki there is something, but kacha is a very acha, sir. I don't wear this kacha. Aap kacha bhi nahi pehante? Okay, one second. Isse pehle ki Kapil suit se kacche pe aa jaye, let's start with the awards, shall we? Playback singer, female. Sir, aap pehle females ko dekhte ho, aapko pata hai isi wajah se male jo hai piche reh rahe hain. ओहो, ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूँ, लेकिन ये तो कर्टसी है ना, लेडीज फर्स्ट। जोर से मन कर रहा है, जोर से मन कर रहा है यार, मेरा बड़ी जोर से नेक्स्ट स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। स्टोरी सुनाने? अरे यार, इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको कला का तो पता चलना चाहिए ना थोड़ा, मेरी भी यार। नहीं वरुण, हम यहाँ पे स्टोरी नहीं सुना सकते। 2 मिनट लगेंगे हुमा, 2 मिनट। अच्छा सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमारा अगला अवार्ड, खूबसूरत अवार्ड नाइट के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, जिन्हें आज यहाँ अवार्ड मिले उन सबको ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें और हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन फिल्में दें और बॉलीवुड का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। दिल से मुबारकबाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ओ वाओ सर, ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल, इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर, अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई, जबरदस्ती नहीं करते आप। अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ, फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है और उनके नॉमिनी सर मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को, मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज। वाओ दीपिका, दैट्स वन वेडिंग केक एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ। केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। कांग्रेचुलेशंस दीपू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, कीप लविंग मी। हाँ भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है और आपने बाकमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर, व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके सर, आप लग रहे हो सेक्सी सर। Hello Karan sir, hi Kapil. Hi, you're the funniest man in the country. Thank you very much. Kapil. You man, bro. Keep jealous. Keep jealous. Keep jealous. Moving on. Karan sir, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ. अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ. 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। हाँ। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत, आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को, मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है, तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी मर्दानगी का क्या।
मर्दानगी क्या फुल टॉस होने वाला है अभी देखिए। अरे नहीं सर कुछ नहीं होता। आप देखो नहीं नहीं हो क्या रहा है सर सरप्राइज है। हाँ बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया। टर्न मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा आइडिया। एक दिन दो नहीं तीन के बीच में अटक गए हम तो यार बीच बिचाले लटक गए। हाँ जी मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं। राइट ये वो कमाल है। मुझसे क्या पूछ रहे हो। नहीं लड़कियां छाई हुई हैं प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे। आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप भी लग रही हैं आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब। अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ। आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है। आप लोग कौन सा ब्राउन बेड से साफ करते हो क्या। क्या है सर मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है। झाड़ू ले जाएंगे तो डराएंगे आप लोग। चार लड़की इकट्ठी होके आ गई है डरा रही है। कपिल राइट तो देखो तुम्हारी ये गलत फहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। ओके। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे है और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। कांग्रेचुलेशंस। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए। अच्छा ओके। मैं हूं साथ में। अरे हाँ मैं तो भूल गया था। ये तो बच्ची क्या है बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक हंसी मजाक चलता रहता है ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ह्यूमन हाउ लिया। आपके पापा नहीं आए यहाँ पे। जी नहीं वो बिजी है। ओहो इतनी सुंदर मम्मी वो कहाँ बिजी है। अगर चाहे तो जल्दी जल्दी हमारी शादी हो सकती है। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। मेरे को वीजा मिल जाएगा। आपकी बहनों को जीजा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ से मस्ती चली गई है अभी भी टैबलेट्स मिलती है। आप इतने बड़े लेवल पे अभी आए हो। अच्छा आप सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो क्यों। हम जहाँ पे रहते हैं ना तो वहाँ पे पानी और शर्म 9 से 12 ही आते हैं। तो मैं 12 के बाद जब आता हूँ तो मेरी शर्म जो है मेरे 3 है। आपके 3 है जी। वो तो टैबलेट का कमाल है ये। क्या लेंगी आप। साड़ी। आपको साड़ी क्यों लेनी है। आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़ के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो प्यार से देखते ना हमारी नजर से देखो बहुत अच्छी लग रही है। वो माँ को देख रहे थे आप उनकी माँ को देख रहे थे। आप बड़ा अच्छा। रानी मैं थोड़ा पास आके बात कर सकता हूँ। कितने पास। पास आ जाओ। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया। वो सब अच्छे घर के होंगे ना। चलो सर। महाराज महाराज दुश्मनों ने हमला कर दिया है। हमले तो होते रहते हैं 2 मिनट बात तो सुने रहो। अरे दुश्मन ने हमला कर दिया। ये जो हीरोइंस आती रहती हैं आपके शो पे आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे। नहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए हैं। बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले एक और लड़की आई थी। अच्छा मैं स्टार्टर को देख के खुश हो रहा था। मेन कोर्स तब आया। क्योंकि मैं आज आपके लिए राजा बना हूं तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरी रानी बनना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या। ऐसे समझ लो राजा का दिमाग खराब पागल राजा की रानी बनी हुई है। साल में एक फिल्म से ज्यादा कंगना करना नहीं चाहती। ज्यादा इसलिए कर रही है she wants to meet me यार। मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है।
कौन बेटा, कौन है ये? ये देखो माँ, लेकिन डार्लिंग शादी के बाद तुम्हें कम से कम मम्मी जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ये तो अच्छा लगेगा। माँ स्कर्ट में घूम रही और बहू डबल बेड की चादर लपेट के घूम रही। मैं एक नई चीज ट्राई करना चाहता हूँ, ये इससे वाईफाई किस। दीपू देख, तुम सपनों में आती हो ठीक है, लेकिन ना ये वर्किंग आवर्स में मत आया करो, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। गिव मी हग, आई कांट बिलीव। दो मिनट लगे रहा करो, इतना जल्दी क्यों? तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। एक तरफ माधुरी, एक तरफ जूही, एक तरफ माधुरी। बात बताओ, आपके फोटो एल्बम आ गए, म्यूजिक एल्बम आ गए, शादी का एल्बम कब देखने को मिलेगा? मतलब क्या मेरी वेट कर रही हैं आप? हमारा ही तो इंतजार है कपिल, अभी तक तुम समझे नहीं, तीन तीन बार आ चुकी हूँ, हिंदी नहीं लेता। समथिंग इज देयर एक्चुअली, लिटिल लिटिल समथिंग, बहाने ढूंढती है, वेरी लिटिल बट इट्स देयर। मैंने सिद्धू जी को कहा था कि कपिल बहुत फ्लर्ट करता है, मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ चल। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे चाचा जी को? आप कौन? जी मैं एक्चुअली इनकी भतीजी हूँ, परसों ही लौटी हूँ। इनको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, इनको 5-6 साल इधर रखना पड़ेगा। हाँ? अभी तो तुम कह रहे थे कि 15 मिनट के बाद मैं घर जा सकता हूँ। हाँ तो लेकिन आपकी रिपोर्ट तो अभी आई ना, इतनी खूबसूरत रिपोर्ट आएगी, हमें क्या पता था? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तेरे को शाम को मेरे साथ कॉफी में जाना पड़ेगा। कैसा गाना? दैट वाज नॉट गाना, दैट वाज माय ऑफर।